संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरा वाले बड़ी चढ़दी कला दे नाल सिखी का प्रचार करन वास्ते कौम नूं केसरी परचम थले एकत्र करन वास्ते बेझिझक अपनियां गतिविधियां पंजाब दी धरती ते सरकार दा खौफ मनों भुला के विचरदे हुए अपनियां गतिविधियां नूं अंजाम दे रहे। जिहड़ा छंद मैं सत संगत तुहाडे चरणां विच पढ़िया ते पहलां वी तुसां सुणिया होवेगा, चंडीगढ़ियां दे निहंग सिंघां दे जथे पास इस स्टेज पर आए ने, बड़ा प्यार रखते ने मेरे नाल ज्ञानी महल सिंह चंडीगढ़ वाले। ये दास की कलम दियां लिखियां हुईयां लाइनां ने, यूरोप कंट्री के दौरे पर आए, बड़ा संगत ने कविता सुन के ज्ञानी महल सिंह नूं मान दिता। मैनू इत्थों उन्होंने फोन ला दिता, मैनू कहिंदा अमरजीत सिंह तेरी कविता संगत विच सुनाई है, बड़ा प्यार ते सत्कार गुरु की संगत वल्लों मैनू प्राप्त होया है। तो हुण कहिंदा संगत की यह इच्छा बन गई है भी सभरावां वाला जथा भी यूरोप के टूर पर आए। भाई सतनाम सिंह होर गुरमुखां ने गल की, गल्लां सा संगत अणजल दियां होंदियां, पिछले साल वीजा ना मिलिया, ऐरकी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज ने महान कृपा कर दी है तुहाडे चरणां दे जोड़े चाड़न वास्ते सतगुरां दे पावन दरबार में गुरु दर दा सेवादार पहुंचिया है। महल सुन दस रहा सी, कहिंदा अमरजीत सिंह साढ़े जथे का ना ही लोगों ने शूक दी कार वाला जथा रख दिता है, इन्ना प्यार इस कविता तो ज्ञानी महल सिंह चंडीगढ़ वाले ने प्राप्त किया। आओ अगे वधीए। संत जरनैल सिंह पिंडरा वाले बेखौफ सिखी का प्रचार पंजाब की धरती ते कर रहे ने, सरकार भी नाल दी नाल सकंजे नूं कसी जा रही है, संतां दे मगर सीएडी लगी हुई है, वो किहड़ा कदम पुटदे ने, की कर रहे ने, किथे जांदे है, कदों आउंदे है, ये सारे ही घटनाक्रम उपर भारत की सरकार बुरी तरह चिंता प्रगट करती हुई, क्योंकि सरकार नूं लग रहा है पंजाब बागी हो जाए। हिंदुस्तान ते उन्हें राज कीता जिन्हें पंजाब दे उपर जबा बना लिया, जिदे तो ना बनिया हिंदुस्तान ते स्वाद ना राज नहीं कर सकता। कदे मिसलां दा युग दा इतिहास पढ़ के वेखो, बेशक सिख कौम धड़िया विच उदों वंडी हुई, पर जदों कोई बाहर दी ताकत हिंदुस्तान ते हमलावर होके आउंदी रही, सारे वितकरिया नूं भुला के एक झंडे दे थले एकत्र होके गुरु के लाल मिसलां दे युग विच बाहरी ताकतां दे नाल टक्कर लैंदे रहे। सिख हिस्टरी तो दिल्ली दरबार चंगी तरह वाकब है कि इस कौम के उपर जिन्ना दबाव बन लिया बना लिया वह राज सकाला कर सकते हैं, जिन्हों तो ना बनिया उन्हां दी कुर्सी नूं भी खतरा हो सकता है। संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरा वालियां दी वधदी हुई ताकत वक्त की सरकार दीआं अखां दे विच रड़कण लगी, वड्डे वड्डे हाकमां दी सुक के तालू नाल जबान लगी हुई है, अवसर थर थरांदे ने, इधर बेखौफ सिखी रवायतों का पहरेदार बन के अमृतसर की धरती से संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरा वाला डटिया होया। मैं जिक्र किया गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी का टूक मात्र उन्होंने इतिहास विचों उन्होंने जीवन विचों एक झलक तुहाडी कचहरी विच सांझी करन करनी चाहुंदा है। गल आपां बाबा कौम संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरा वाले की करते, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज समें की सरकार नाल मीरी पीरी के मालक छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने चार जंगा लड़िया और चार दियाँ चार जंगा मुगलों की ताकत में टक्कर लैके गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने जितिया सन। वो चार जंगा लड़न का कारण की है, क्योंकि समय की सरकार जुल्म कर रही थी हिंदुस्तान की धरती से, तगड़े लिए कानून उदों भी होर माड़े लिए उदों भी होर, किसी कोर्ट कचहरी में कोई गरीब जाता है उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता है। उदों गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने अकाल तख्त साहब की रचना की, जंगी फौज गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने भर्ती कर ली, लोग जवानियां पेंट करते हैं, कोई कीमती घोड़े अर्पित करता है, कोई माया मथा टेकता है, कोई चंगे वधिया शस्त्र गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के लगे दरबार में भेंट कर लगे। महाराज दरबार ला के बहिंदे, लोगों के फैसले होंदे, सुचज्जा वधिया न्या बिना माया खर्ची तो छेवें पातशाह के दरबार में लोगों नूं मिलदा है। मुगलिया सल्तनत की अख में छेवें पातशाह की ताकत रड़कण लगी, गुरु जी का बागी अंदाज, मैं ये भी दस लवां, सिख जा बागी है जा आजाद है, सिख होवे गुलामी प्रवान करजे उन्हूं कदे सिख नहीं आख्या जा सकता, सिख जा बागी है जा आजाद है। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी की आजाद हस्ती और उन्हां दी वधी हुई ताकत मुगलों की अख विच रड़कण लगी, सिट्टा यह निकलिया चार
भारे युद्ध गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने अपने जीवन में लड़ने पे और वो चार दे चार संग्राम उन्होंने महाराज ने फतेह प्राप्त की। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले भी उन्होंने पूर्णिया से चल रहे, सिखी का प्रचार कर रहे हैं, सुती हुई कौम को जगा के लाम बंद कर रहे हैं, खंडे बाटे की पौल वरता रहे हैं, बाणी और बाणी के नाल पंजाब के वासियों को सिख अखवाउण वालियां नूं सच्चे तरीके दे नाल संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने जोड़ना शुरू किया। संतां दा दरबार भी लगता है अमृतसर की धरती पर, लोग कचहरियों में मुकदमे खड़नों हट गए, गल पत्रकार खुशवंत सिंह ने लिखी, पंजाब दीयां कचहरियां दे जरिए बहुत वड्डी आमदन सरकार दे खजानियां विच पहुँचती है। मानो सरकार दे खजाने खाली हो गए, ना कोई मुकदमा खड़ता है, ना कोई आमदनी रही, लोग अपने जीवन का कोई भी फैसला है माण दे नाल संतां दे दरबार विच जांदे सन। दवें धिरां अपना अपना पक्ष रखदियां, मुफ्त विच सच्चा न्याय। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवालियां दे दरबार विच संसार दे लोकां नूं मिल लगा, जिक्रे खास है मेरे सिखां दे फैसले संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालियां ने नहीं किते। जे कोई गैर सिख भी आउंदा है अपना दुख दसदा है उहनूं अपना जाण के सीने नाल ला के संत जी कृपा दे घर विच आ के उहदा दुख और दर्द बनाउंदे सन। एक घटना दा जिक्र हिस्टरी विचों मिलेगा, एक हिंदू परिवार नाल संबंध रखने वाली बच्ची मापिया ने विआह कीता है। जदों संसारी लोग अपनियां बच्चियां नूं परनाउंदे है, धीआं नूं विआउंदे है, मापे भावें किन्ने भी गरीब क्यों ना होण हर माँ बाप जतन करता है लोड़ तो ज़्यादा धन दौलत बच्ची नूं दे के दा विआह कीता जाए तां कि भविख विच सहुरे परिवार सहुरे घर विच जाके इस धी नूं किसी मुश्किल का सामना ना करना पवे। अपने वित्त तो वध पैसा धीआं दे विआह ते खर्चा जांदा है, रजवी धन दौलत संसारी होण दे नाते मापे अपनियां बच्चियां नूं दे के नवाजदे ताँ कि किसी भी मुश्किल का सामना भविख विच साडियां धीआं नूं ना करना पवे। इस हिंदू परिवार ने अपनी बच्ची विआह दित्ती, लोड़ तो ज़्यादा हैसियत तो वध धन दौलत दाज के रूप में इस परिवार ने दित्ती, पर इस बच्ची का सहुरा परिवार अंतां दा लोभी सी। लालची बंदे अंदर साध संगत कदे संतोख नहीं हुंदी, बंदे कोले दौलत किन्नी भी होवे पैसा कमाउण दी हवश माया प्राप्त करन दी सदर बंदे विच होर प्रबल हुंदी जांदी। इन्हां ने उस बच्ची ते जुल्म करना शुरू कीता जिहदा पिछोकड़ हिंदू परिवार दा है ते व्याही भी हिंदू परिवार विच। सास सहुरा और उहदा पति उहनूं कुटदे मारदे है, जे उह तरला लैके कहिंदी मेरे तो गुनाह की हो गया, वो कहिंदे गुनाह कोई नहीं सानू माया दी लोड़ है, जा आपदे माँ प्यो कोले सानू माया लिया के दे। हुण जिन्ना वित सी धी दा पक्ष मापे पूरदे रहे, हुण पाणी ऐन सिर तो लंघ चुका है, बच्ची ते जुल्म दिन बा दिन वध रहा है, उहदा कोई दर्द मनाउण वाला नहीं। आखिर कहिंदे प्यो धी ने अपने प्यो नूं आख्या, बापू संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दा मैं जस अपने कन्नां नाल सुणिया, लोक गल्लां करदे है संतां दे दरबार विच भी फैसले हुंदे आ, वधिया न्याय मिलेगा। आपां अपना दुख अपनी पीड़ा जाके संत बाबा जरनैल सिंह दे दरबार विच दसी, ये हिंदू परिवार जी संतां दे दरबार विच चलिया। बच्ची ने रो रो के आख्या, बाबा मेरा गरीबणी दा जिंदगी जीउण दा कोई हज नहीं, माँ बाप ने हैसियत तो वध दौलत दे के मैनूं परनाया है पर मेरा सहुरा परिवार मेरे ते जुल्म करदा है। संतां ने आख्या, धीए उहनां दी मंग की है? उस बच्ची ने डड्या के आख्या, बाबा वह लोभी ने दौलत मंगते ने पैसा चाहिए अपने खजानों विचों। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालियां ने रजवी माया दिती, लै धीए जे पैसे नाल तेरा घर वसदा है सानू माण है, असीं तेरे काम आए, जा माया लै जाके दे दे आपदे सहुरे परिवार। माया दे दिती, हुण लालची बंदे सन संतोख नहीं, इन्हां ने सोचा भी हुण ते काम ही बड़ा सौखा बन गया, अगे इहदा मांजा लईदा सी, माँ प्यो कोले जाके रोंदी सी माया लियाउंदी सी, हुण भोला संत काबू आ गया, कुटांगे उहदे कोले जाऊ ते फिर माया लैके। कहिंदे फिर जुल्म कीता, आख्या माया चाहीदी, फिर संतां दे दरबार विच आई। हुण संत इतने भोले नहीं सन, राजनीति तो भी संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाला पूरी तरह वाकफ सी, धर्म भी पढ़िया है और कमाया भी है, राजनीति भी संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिया ने पढ़ी।
याद रखो बच्ची ने आके दुख दसिया, संतां ने आख्या हुण तेरे दुख दा इको एक हल साडे कोले है, धीए माया दे नाल तेरा घर नहीं वसेगा, हुण जाके आपदे सहुरे परिवार नूं कह दे कि मेरे ते जुल्म ना कीता जाए, हुण मैं हिंदुआं दी धी नहीं, हुण मैनूं संत जरनैल सिंह पिंडरां वालिआं ने अपनी बची बना लिया, अपनी धी बना लिया, संतां ने आख्या वचन करी तेरे ते जुल्म नहीं होए, गई है वह बची। जदों जाके उन्हें यह गल आखी अपने सहुरे परिवार विच, कहिंदे उन्हां जालमां ने फिर वो गल पै गए, जुल्म कीता कुटिया मारिया, वो बची करलाउंदी हुई तीजी वार संतां दे दरबार विच आई। हुण अटल फैसला बाबा ए कौम संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरां वाले लैण लगे, माया भी दे के वेख ली गल ना बनी, हर तरीका वरत लिया पर जालम जुल्म करन तो बाज ना आए, फिर संतां ने बन के अपने दरबार विच उहदे पति ते उहदे सहुरे नूं बुला लिया। कहिंदे ऐ संतां ने चंगा मांझा लाया, जदों कोई जुल्म करन ते तुल जांदा है कहिंदे विगड़िया तिगड़िया दा डंडा ही पीर है, बदमाश नूं बदमाशी करन तो हटाउणा होवे इक डंडा ही हटा सकदा है, निम्रता दे नाल प्यार दे नाल गलत बंदा गलत रस्ते नूं कदे छड्डन वास्ते तैयार नहीं हुंदा। हुण संत जरनैल सिंह दे दरबार विच गुरु के लाला ने ला दिता सोधा, संतां ने आख्या असीं तुहाडे नाल वचन कीता सी कि साडी धी है, इहदे ते हाथ ना चुकिया करो, अगे तों वी इस गल नूं पल्ले बन लो, अगर जे भुल कीती कुताही कीती इस गरीबणी ते सितम ढाया तुहाडी कुट कुट के खल ला दित्ती जाएगी। संतां ने आख्या मेरी धी है, संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरां वालियां दी बच्ची दे उपर जिहड़ा हाथ चुकेगा अज तों बाद उहदा हाथ कर दित्ता। वह पंडित ब्राह्मण इन्ना जरकिया हाथ जोड़ के कहन लगा संत जी जे तुहाडी धी है ते मेरी भैणा वर्गी उहदे पति ने इह गल कह दे, मैं नहीं कुछ कहिंदा, रहमत करो ना माया चाहीदी है, इह सानूं प्रवान है। संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरां वाले इस कदर न्याय करदे सन, जिहड़े तरीके नाल काम सूत्र आउंदा उहो जिहा हरबा संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरां वाले वरतदे सन। कई दूषण लाउंदे मूँह पाड़ के जिहड़े टकसाल दे विरोधी उह गल कहिंदे कि संतां ने अकाल तख्त साहिब दी बारगाह दे अंदर हथियार रख के बहुत वड्डा गुनाह किया, वह अपना पक्ख रखदे, जे संत हथियार ना रखदे अकाल तख्त साहिब ते कदे हमला ना हुंदा। इह रवायत जिहदे पहरेदार बने संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरां वाले, यह परंपरा गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के युग में शुरू हुई। अकाल तख्त साहब का निर्माण मीरी पीरी के मालक साहबे कमाल तन तन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने अपने युग में किया, और ये अकाल का तख्त दिल्ली दरबार के तख्त नालों भी उच्चा है, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने बनाया और स्वयमान दे नाल सिर उच्चा चुक के सिख कौम नूं गैरत नाल जिंदगी जीउण दा वल छेवें पातशाह ने सिखाया। अकाल तख्त साहब की रचना होगी और अकाल तख्त साहब के पावन पवित्र मकाम के उपर इतिहास कहिंदा है गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज नूं कीमती शस्त्र भी श्रद्धावानों ने भेंट की। खेम कारण दे रहण वाला भाई मोहरी ये मिस्त्री सिख है, लकड़ की तोप बना के गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के पावन चरणों में अकाल तख्त साहब की बारगाह के अंदर भाई मोहरी ने लकड़ की तोप पातशाह भेंट की। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज को लोग तोपा भेंट करते हैं, जो उस रवायत के पहरेदार बन के संतान ने उत्थे हथियार रखे तो कोई गुनाह नहीं, ये साड़ी परंपरा है, साड़ा इतिहास इन्हां गल्लां की पुष्टि करता है। सिखी रवायतों के पहरेदार बने सन संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरां वाले, हथियार रख के भी वो अमन दे हामी रहे, वादा करना नहीं और किसी का वादा जरना नहीं, संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरां वालियां दा दस्तूर सी, उन्हां दा सुभाअ सी। ये सारी ही घटनाक्रम जिहड़ा है दिल्ली दरबार ने इहदे ते नज़र रखी, संतां दी ताकत दिन बा दिन जदों वधन लगी, भारत दी सरकार ने सिख कौम के बुढ़े आगुआं दे नाल राबता कायम किया। वेखो जिन्हां लोकां ने संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरां वालियां दा लड़ छड्डिया, साका नीला तारा दे दौरान उह बाहवां खड़ियां करके जान प्यारी जान के दौड़ गए, उन्हां नूं मिलिया राजपाल, उन्हां कीती सरदारी,
जिहड़ा गदारी करदा कौम दे नालों तेजा सिंह ते लाल सिंह दी तरह बहुत वड्डियां जगीरां प्राप्त करदा, जिहड़ा धर्म दे पक्ष विच रह के शहादत दा जाम पींदा है, उहदी शहादत नूं भी इहो जे राजनीतिक लोग ओल्ले विच रखदे आ, कौम नूं पंथ नूं गुमराह करदे। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दे उपर सरकार नज़र रख रही है, सरकार ने सोचा है कि हुण जिहड़े बुढ़े आगू ने उन्हां दी लगाम अपने हत्थां विच लई जाए, उन्हां नाल विचार किया जाए। धर्म युद्ध मोर्चा लगा सी, वो लीडर ते बागी होण नूं फिरदे है, पर संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वाला अटल सी, अपने अकीदे ते दृढ़ है, वो फैसला बदलन वास्ते तैयार ने। आखिर ये सरकार और संतां दा घटनाक्रम इनू माप तोल के वेख्या जाए, सरकार ने होर भी सकंजा कसिया, इतों तकरार बढ़िया, साका नीला तारा दा मोढ इतों बजन लगा, जिदे च कौम दे आगुआं ने तेजा सिंह ते लाल सिंह वाला करदार अमृतसर दी धरती ते दरहाउणा। मुदकी और फेरू दे मैदान च महाराजा रणजीत सिंह दी फौज लड़ रही सी, कहिंदे सिख सरदार जित चले तेजा सिंह ते लाल सिंह, सिखां दीआं 60 तोपां लैके मुदकी दे मैदान विचों दौड़ गए। उन्हां अंग्रेज़ नूं आख्या भारा हल्ला करदे सिखां ते, तोपां नहीं चलणगीआं, उन्हां दीआं 60 तोपां साडे कब्जे विच, धावा बोलेगा यकीनन तेरी जित होएगी। तेजा सिंह ते लाल सिंह दी गदारी दा सिट्टा इह निकलिआ। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वाले बड़ी चढ़दी कला दे नाल सिखी दा प्रचार करन वास्ते, कौम नूं केसरी परचम थले एकत्र करन वास्ते बेझिझक अपनियां गतिविधियां पंजाब दी धरती ते सरकार दा खौफ मनों भुला के विचरदे हुए अपनियां गतिविधियां नूं अंजाम दे रहे। जिहड़ा छंद मैं साध संगत तुहाडे चरणां विच पढ़िया, ये पहलां भी तुसां सुणिया होएगा, चंडीगढ़ियां दे निहंग सिंघां दे जथे पास इस स्टेज ते आए ने, बड़ा प्यार रखदे ने मेरे नाल ज्ञानी महल सिंह चंडीगढ़ वाले। ये दास की कलम दियां लिखिया हुई लाइनां ने, यूरोप कंट्री के दौरे पर आए, बड़ा संगत ने कविता सुन के ज्ञानी महल सिंह नूं मान दिता, मैनू इत्थों उन्होंने फोन ला दिता, मैनू कहिंदा अमरजीत सिंह तेरी कविता संगत विच सुनाई है, बड़ा प्यार ते सत्कार गुरु की संगत वालों मैनू प्राप्त होया है। तो हुण कहिंदा संगत की यह इच्छा बन गई है भी सभरावां वाला जथा भी यूरोप के टूर पर आए। भाई सतनाम सिंह होर गुरमुखां ने गल की, गल्लां सा संगत अणजल दियां होंदियां, पिछले साल वीजा ना मिलिया, ऐरकी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज ने महान कृपा कर दिती है तुहाडे चरणां दे जोड़े चाड़न वास्ते, सतगुरां दे पावन दरबार विच गुरु दर दा सेवादार पहुंचिया है। मैल सुन दस रहा सी, कहिंदा अमरजीत सिंह साढ़े जथे का ना ही लोगों ने शूक दी कार वाला जथा रख दिता है, इन्ना प्यार इस कविता तो ज्ञानी महल सिंह चंडीगढ़ वालिया ने प्राप्त किया। आओ अगे वधीए, संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले बेखौफ सिखी का प्रचार पंजाब की धरती ते कर रहे ने, सरकार भी नाल दी नाल सकंजे नूं कसी जा रही है, संतां दे मगर सीएडी लगी हुई है, वो किहड़ा कदम पुटदे ने, की कर रहे ने, किथे जांदे है, कदों आउंदे है, ये सारे ही घटनाक्रम उपर भारत की सरकार बुरी तरह चिंता प्रगट करती हुई, क्योंकि सरकार नूं लग रहा है पंजाब बागी हो जाए। हिंदुस्तान ते उन्हें राज किया जिन्हें पंजाब के उपर जबा बना लिया, जिदे तो ना बनया हिंदुस्तान ते स्वाद ना राज नहीं कर सकता। कदें मिसलां दा युग दा इतिहास पढ़ के वेखो, बेशक सिख कौम धड़िया विच उदों वंडी हुई, पर जदों कोई बाहर दी ताकत हिंदुस्तान ते हमलावर होके आउंदी रही, सारे वितकरिया नूं भुला के एक झंडे दे थले एकत्र होके गुरु के लाल मिसलां दे युग विच बाहरी ताकतां दे नाल टक्कर लैंदे रहे। सिख हिस्टरी तो दिल्ली दरबार चंगी तरह वाकब है कि इस कौम के उपर जिन्ना दबाव बन लिया बना लिया वह राज सकाला कर सकते हैं, जिन्ना तो ना बनिया उन्हां दी कुर्सी नूं भी खतरा हो सकता है। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी वाधी हुई ताकत वक्त की सरकार दीआं अखां दे विच रड़कण लगी, वड्डे वड्डे हाकमां दी सुक के तालू नाल जबान लगी हुई है, अवसर थर थरांदे ने, इधर बेखौफ सिखी रवायतों का पहरेदार बन के अमृतसर की धरती से संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वाला डटिया होया। मैं जिक्र किया गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी का टूक मात्र उन्हां दे इतिहास विचों उन्हां दे जीवन विचों एक झलक तुहाडी कचहरी विच सांझी करन करनी चाहुंदा है। गल आपां बाबा कौम संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी करदे,
गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज समय की सरकार नाल मीरी पीरी के मालक छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने चार जंगा लड़िया और चार दिया चार जंगा मुगलों की ताकत में टक्कर लैके गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने जितिया सन। वो चार जंगा लड़न का कारण की है, क्योंकि समय की सरकार जुल्म कर रही थी हिंदुस्तान की धरती से। तगड़े लिए कानून उदों भी होर, माड़े लिए उदों भी होर। किसी कोर्ट कचहरी में कोई गरीब जाता है उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता है। उदों गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने अकाल तख्त साहब की रचना की, जंगी फौज गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने भर्ती कर ली। लोग जवानियां पेंट करते हैं, कोई कीमती घोड़े अर्पित करता है, कोई माया मथा टेकता है, कोई चंगे वधिया शस्त्र गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के लगे दरबार में भेंट कर लगे। महाराज दरबार ला के बहिंदे, लोगों के फैसले होंदे, सुचज्जा वधिया न्या बिना माया खर्ची तो छेवें पातशाह के दरबार में लोगों नूं मिलदा है। मुगलिया सल्तनत की अख में छेवें पातशाह की ताकत रड़कण लगी। गुरु जी का बागी अंदाज मैं ये भी दस लवां, सिख जां बागी है जां आजाद है। सिख होवे गुलामी प्रवान कर जे उन्हूं कदे सिख नहीं आख्या जा सकता। सिख जां बागी है जां आजाद है। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी की आजाद हस्ती और उन्हां दी वाधी हुई ताकत मुगलों की अख में रड़कण लगी। सिट्टा यह निकलिया, चार भारे युद्ध गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने अपने जीवन में लड़ने पे और वो चार दे चार संग्राम उन्होंने महाराज ने फतेह प्राप्त की। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले भी उन्होंने पूर्णिया से चल रहे, सिखी का प्रचार कर रहे हैं, सुती हुई कौम को जगा के लाम बंद कर रहे हैं, खंडे बाटे की पौल वरता रहे हैं, बाणी और बाणी के नाल पंजाब के वासियों को सिख अखवाउण वालियां सुचजे तरीके दे नाल संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने जोड़ना शुरू किया। संतां दा दरबार भी लगता है अमृतसर की धरती ते। लोग कचहरियां विच मुकदमे खड़नों हट गए, गल पत्रकार खुशवंत सिंह ने लिखी, पंजाब दीयां कचहरियां दे जरिए बहुत वड्डी आमदन सरकार दे खजानियां विच पहुंचती है। मानो सरकार दे खजाने खाली हो गए, ना कोई मुकदमा खड़ता है, ना कोई आमदनी रही। लोग अपने जीवन का कोई भी फैसला है माण दे नाल संतां दे दरबार विच जांदे सन। दमें धिरां अपना अपना पक्ष रखदियां, मुफ्त विच सुचज्जा न्याय। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दे दरबार विच संसार दे लोकां नूं मिल लगा। जिक्रे खास है मेरे सिखां दे फैसले संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरां वालियां ने नहीं कीते। जे कोई गैर सिख भी आउंदा है अपना दुख दसदा है, उहनूं अपना जाण के सीने नाल ला के संत जी कृपा दे घर विच आ के उहदा दुख और दर्द बनाउंदे सन। एक घटना का जिक्र हिस्टरी विचों मिलेगा। एक हिंदू परिवार नाल संबंध रखने वाली बच्ची मापिया ने विआह कीता है। जदों संसारी लोग अपनियां बच्चियां नूं परनाउंदे है, धीआं नूं विआउंदे है, मापे भावें किन्ने भी गरीब क्यों ना होण, हर माँ बाप जतन करदा है लोड़ तों ज़्यादा धन दौलत बच्ची नूं दे के दा विआह कीता जाए, ताकि भविख में सहुरे परिवार सहुरे घर में जाके इस धी को किसी मुश्किल का सामना ना करना। अपने वित्त तो वध पैसा धियां दे विआह ते खर्चा जाता है। रजवी धन दौलत संसारी होने के नाते मापे अपनियां बच्चियां नूं दे के नवाजदे, ताकि किसी भी मुश्किल का सामना भविख में साडियां धियां नूं ना करना। इस हिंदू परिवार ने अपनी बच्ची विआह दित्ती, लोड़ तो ज़्यादा हैसियत तो वध धन दौलत दाज के रूप में इस परिवार ने दित्ती, पर इस बच्ची का सहुरा परिवार अंतां दा लोभी सी। लालची बंदे अंदर सात संगत कदे संतोख नहीं हुंदी। बंदे कोले दौलत किन्नी भी होवे, पैसा कमाउण दी हवश माया प्राप्त करन दी सदर बंदे विच होर प्रबल हुंदी जांदी। इन्हां ने उस बच्ची ते जुल्म करना शुरू कीता है, जिहदा पिछोकड़ हिंदू परिवार दा है ते व्याही भी हिंदू परिवार विच। सास सहुरा और उहदा पति उहनूं कुटदे है, मारदे है। जे वह तरला लैके कहिंदी मेरे तो गुनाह की हो गया, वह कहिंदे गुनाह कोई नहीं, सानू माया की लोड़ है, जा आपदे माँ प्यो कोले सानू माया लिया के दे। हुण जिन्ना वित सी धी दा पक्ष मापे पूरदे रहे, हुण पाणी ऐन सिर तो लंघ चुका है। बच्ची ते जुल्म दिन बा दिन वध रहा है, उहदा कोई दर्द मनाउण वाला नहीं।
आखिर कहिंदे प्यो धी ने अपने प्यो नूं आख्या बापू संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं दा मैं जस अपने कन्नां नाल सुणिआ। लोक गल्लां करदे संतां दे दरबार विच वी फैसले हुंदे आ, वधिया न्याय मिलेगा। आपां अपना दुख अपनी पीड़ा जाके संत बाबा जरनैल सिंह दे दरबार विच दसी। इह हिंदू परिवार जी संतां दे दरबार विच चलिआ। बच्ची ने रो रो के आख्या बाबा मेरा गरीबणी दा जिंदगी जिउण दा कोई हज नहीं, माँ बाप ने हैसियत तो वध दौलत दे के मैनूं परनाया है पर मेरा सहुरा परिवार मेरे ते जुल्म करदा है। संतां ने आख्या धीए उहनां दी मंग की है? उस बच्ची ने डडिया के आख्या बाबा वह लोभी ने दौलत मंगते ने, पैसा चाहिए अपने खजानों विचों। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं ने रजमी माया दित्ती, लै धीए जे पैसे नाल तेरा घर वसदा है सानू माण है, असीं तेरे काम आए, जा माया लै जा जाके दे दे आपदे सहुरे परिवार। माया दे दित्ती। हुण लालची बंदे सन, संतोख नहीं। इन्हां ने सोचा भी हुण ते काम ही बड़ा सौखा बन गया, अगे इहदा मांजा लईदा सी, माँ प्यो कोले जाके रोंदी सी, माया लियाउंदी सी, हुण भोला संत काबू आ गया, कुटांगे उहदे कोले जाऊ ते फिर माया लैके। कहिंदे फिर जुल्म कीता, आख्या माया चाहीदी, फिर संतां दे दरबार विच आई। हुण संत इतने भोले नहीं सन, राजनीति तो भी संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाला पूरी तरह वाकफ सी। धर्म भी पढ़िया है और कमाया भी है, राजनीति भी संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं ने पढ़ी। याद रखो बच्ची ने आके दुख दस्या, संतां ने आख्या हुण तेरे दुख का इको एक हल साढ़े कोले है, धीए माया दे नाल तेरा घर नहीं वसेगा, हुण जाके आपदे सहुरे परिवार नूं कह दे कि मेरे ते जुल्म ना कीता जाए, हुण मैं हिंदुआं दी धी नहीं, हुण मैनूं संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं ने अपनी बची बना लिया, अपनी धी बना लिया। संतां ने आख्या वचन करी तेरे ते जुल्म नहीं होए। गई है वह बची, जदों जाके उन्हें यह गल आखी अपने सहुरे परिवार विच, कहिंदे उन्हां जालमां ने फिर वो गल पै गए, जुल्म कीता, कुटिया मारिया। वो बची करलाउंदी हुई तीजी वार संतां दे दरबार विच आई। हुण अटल फैसला बाबा कौम संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले लैण लगे। माया भी दे के वेख ली, गल ना बनी, हर तरीका वरत लिया, पर जालम जुल्म करन तो बाज ना आए। फिर संतां ने बन के अपने दरबार विच उहदे पति ते उहदे सहुरे नूं बुला लिया। कहिंदे ऐ संतां ने चंगा मांझा लाया, जदों कोई जुल्म करन ते तुल जांदा है कहिंदे विगड़िआं तिगड़िआं दा डंडा ही पीर है। बदमाश नूं बदमाशी करन तो हटाउणा होवे इक डंडा ही हटा सकदा है। निम्रता दे नाल, प्यार दे नाल, गलत बंदा गलत रस्ते नूं कदे छड्डन वास्ते तैयार नहीं हुंदा। हुण संत जरनैल सिंह दे दरबार विच गुरु के लाला ने ला दिता सोधा। संतां ने आख्या असीं तुहाडे नाल वचन कीता सी कि साडी धी है, इहदे ते हाथ ना चुक्या करो, अगे तों वी इस गल नूं पल्ले बन लो, अगर जे भुल कीती कुताही कीती इस गरीबणी ते सितम ढाया तुहाडी कुट कुट के खल ला दित्ती जाएगी। संतां ने आख्या मेरी धी है, संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं दी बच्ची दे उपर जिहड़ा हथ चुकेगा अज तों बाद उहदा हथ कर दित्ता। वह पंडित ब्राह्मण इन्ना जरकिया हाथ जोड़ के कहन लगा संत जी जे तुहाडी धी है ते मेरी भैणा वर्गी उहदे पति ने यह गल कह दे, मैं नहीं कुछ कहिंदा, रहमत करो ना माया चाहीदी है, यह सानूं प्रवान है। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले इस कदर न्याय करदे सन, जिहड़े तरीके नाल काम सूत्र आउंदा उहो जिहा हरबा संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले वरतदे सन। कई दूषण लाउंदे मूँह पाड़ के, जिहड़े टकसाल दे विरोधी उह गल कहिंदे भी संतां ने अकाल तख्त साहिब दी बारगाह दे अंदर हथियार रख के बहुत वड्डा गुनाह कीता। वो अपना पक्ष रखते, जे संत हथियार ना रखते अकाल तख्त साहब ते कदे हमला ना होंदा। ये रवायत जिहदे पहरेदार बने संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले, ये परंपरा गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के युग में शुरू हुई। अकाल तख्त साहब का निर्माण मीरी पीरी के मालक साहिबे कमाल तन तन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने अपने युग में किया, और ये अकाल का तख्त दिल्ली दरबार के तख्त नालों भी उच्चा है। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने बनाया और स्वयमान दे नाल सिर उच्चा चुक के सिख कौम नूं गैरत नाल जिंदगी जीउण दा वल छेवें पातशाह ने सिखाया।
अकाल तख्त साहब की रचना होगी और अकाल तख्त साहब के पावन पवित्र मकाम के उपर इतिहास कहिंदा है गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज नूं कीमती शस्त्र भी श्रद्धा वारना ने भेंट की। खेम कारण दे रहन वाला भाई मोहरी ये मिस्त्री सिख है, लकड़ की तोप बना के गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के पावन चरणों में अकाल तख्त साहब की बारगाह के अंदर भाई मोहरी ने लकड़ की तोप पातशाह भेंट की। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज नूं लोग तोपा भेंट करते हैं जो उस रवायत के पहरेदार बन के संतान ने उत्थे हथियार रखे तो कोई गुनाह नहीं, ये साड़ी परंपरा है, साड़ा इतिहास इन गल्लां दी पुष्टि करता है। सिखी रवायतों के पहरेदार बने सन संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले, हथियार रख के भी वो अमन दे हामी रहे, वादा करना नहीं और किसी का वादा जरना नहीं। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले का दस्तूर सी, उन्हां दा सुभाअ सी। ये सारी ही घटनाक्रम जिहड़ा है दिल्ली दरबार ने इहदे ते नज़र रखी, संतां दी ताकत दिन बा दिन जदों वधन लगी, भारत दी सरकार ने सिख कौम दे बुढ़े आगूआं दे नाल राबता कायम कीता। वेखो जिन्हां लोकां ने संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दा लड़ छड्डिया, साका नीला तारा दे दौरान ओह बाहां खड़ियां करके जान प्यारी जान के दौड़ गए, उहनां नूं मिलिया राजपाल, उन्हें की सरदारी। जिहड़ा गदारी करता है कौम के नालों तेजा सिंह ते लाल सिंह की तरह बहुत वड्डियां जगीरां प्राप्त करता, जिहड़ा धर्म के पक्ष में रह के शहादत का जाम पींदा है उहदी शहादत नूं भी इहो जे राजनीतिक लोग ओहले विच रखदे आ, कौम नूं पंथ नूं गुमराह करदे। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे उपर सरकार नज़र रख रही है, सरकार ने सोचा है कि हुण जिहड़े बुढ़े आगू ने उन्हां दी लगाम अपने हत्थां विच लई जाए, उन्हां नाल विचार किया जाए। धर्म युद्ध मोर्चा लगा सी, वो लीडर ते बागी होण नूं फिरदे है, पर संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाला अटल सी, अपने अकीदे ते दृढ़ है, वो फैसला बदलन वास्ते तैयार ने। आखिर ये सरकार और संतां दा घटनाक्रम इहनूं माप तोल के वेख्या जाए, सरकार ने होर भी सकंजा कसिया, इतों तकरार बढ़िया, साका नीला तारा का मोढ इतों बजन लगा जिदे कौम के आगुआ ने तेजा सिंह ते लाल सिंह वाला किरदार अमृतसर की धरती ते दरहाउणा। मुदकी और फेरू के मैदान च महाराजा रणजीत सिंह की फौज लड़ रही सी, कहिंदे सिख सरदार जित चले तेजा सिंह ते लाल सिंह, सिखां दीआं 60 तोपां लैके मुदकी के मैदान विचों दौड़ गए। उन्हां अंग्रेज नूं आख्या भारा हल्ला करदे सिखां ते, तोपां नहीं चलणगियां, उन्हां दीआं 60 तोपां साढ़े कब्जे विच, धावा बोलेगा यकीनन तेरी जित होएगी। तेजा सिंह ते लाल सिंह की गदारी का सिटा यह निकलिया। महाराजा रणजीत सिंह की फौज जिन्हें कभी भी जिंदगी विच हार नहीं सी वेखी, वो गदारा की गदारी के कारण मुदकी और फेरू के मैदान में बुरी तरह हारी। इत्थे साढ़े आगुआ ने वह रोल तेजा सिंह ते लाल सिंह वाला अदा करना है। मर्द धर्मी बाबा है कौम संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने शहीद शाम सिंह अटारी की तरह शहादत का जाम जिहड़ा है वह पी के गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की गोद का प्यार प्राप्त करना। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले साथियों समेत अमृतसर की धरती से पूरी कौम इन्हां दिनां विच ऐन शस्त्रधारी हो चुकी है, सिखी परंपरावां की पालना करन वास्ते हर गुरु का लाल तली ते सीस रखदा है। आनंदपुर के मते दीआं मंगां आप जानदे हो, पंजाब के वासी मशक्कत करदे किरत करदे और उन्हां दी जिनस का भा जिहड़ा वह दिल्ली दरबार तय करदा, मानो दुध की राखी बिल्ली बैठी कमाई असी करिए, सप्पां दीआं सिरियां मिध मिध के फसलां असी उगाईए ते पालिए। जदों उन्हां दा मुल बजन की गल आउंदी है वह मोहर लाएगा दिल्ली दरबार, जो उन्हें कर दिता वह पंजाब दे वासियां नूं प्रवान करना पै। अज भी पंजाब दा जिमीदार बुरी तरह लुटिया जा रहा, जिहड़ी बासमती पंजाब दे वासियां ने कदे 4500 नूं क्विंटल वेची वह इस बार विकी 1400 तों लैके 1600 रुपये तक पर क्विंटल। जिहड़े जिमीदार मशक्ती सन मन टुट गया, गलां विच रसे पा पा के कोई खेतां विच गया, रुख ना लटक गया,
किसी ने पखे नूं रस्सा पा के फा लै लिया। ये पंजाब दे अज दे हालात। फिर उही बासमती जदों व्यापारी ते पंजाब दी गवर्नमेंट रल गई, ये ऐतकी सीजन की गल है, उस दा भाव फिर 2700-2800 हो गया। जदों जिमीदार तो जिनस कढ़नी है उदों 1600 रेट है, जदों व्यापारी वर्ग कोले चली गई सरकार की मिली भुगत है उही 2800-2800 नूं 2700-2700 नूं बासमती। भाव जिमीदार 6 महीने मर मर के भी उन्नी कमाई नहीं करता जिन्ना वेला बैठा व्यापारी और सरकारी कर्मचारी मिनटां विच कर जांदे। संत बाबा जरनैल सिंह की पहली मंग सी पंजाब दे पाणी पंजाब नूं दित्ते जा, वधेगा वो मुल देंगे बाकी सूबियां नूं, असी किसी दे दुश्मन नहीं, पर आप भुखे रहना और दूजियां नूं रजा देना किधर दा न्याय। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले कहिंदे सन कि जे सिख बीबी ते मुकदमा चलदा है उहदी पैरवाई करन वाले भी, भाव जे औरत ते मुकदमा है औरतां ही कर्मचारी होण, भावें थाणियां विच भी रखिया जांदा है उत्थे भी बीबियां ही बीबियां की गल सुन, इहो जिहियां बातां कौम दे हक्कां की गल, आनंदपुर के मते की गल संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने की। पर अफसोस है आनंदपुर की धरती ते पास किया होया मता जिदे तो कौम दे आगू अखवाउण वाले लोग बागी हो गए। संत जरनैल सिंह दे उत्ते डट गया, उन्हें ऐलान किया एक मोटरसाइकिल रख के पंजाब की धरती का वासी, 3 बंदे उहदे उत्ते सवार होण और हर बंदे दे हाथ विच रिवालवर होवे, उन्हां दे कोल पिस्तौल होण रैफला होण, जे कोई असले का लाइसेंस मंगदा जां ड्राइवरी लाइसेंस मंगदा है फिर संत जरनैल सिंह दा इक्को वचन सी भी आनंदपुर के मते की फोटो स्टेट है हाकमां के मूँह से मार दिया जे ऐसे तरीके दे नाल शरेआम खुल के पंजाब की धरती से बाबा कौम संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाला विचरन लगा। बना लिया दबा समय की सरकार ने सोचा है हुण संत जरनैल सिंह नूं अपने रस्ते विचों हटा देना चाहिए है। साडे ही अखौती पंथक लीडर ने मोहरां ला ला के इंदिरा तक अपने मन दीआं गल्लां चिट्ठियां विच लिख लिख के कला दित्तियां भी संत नूं रस्ते विचों हटा दिओ, इह दिल्ली दरबार लई भी खतरा है और सिख सियासतदाना वास्ते भी खतरा है। ऐसे संदर्भ विच समय की सरकार भी वैरी है और अपने भी वैरी बन लगे। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाला बेखौफ विचरदा आखिर June 1984 का वो दिन जिहड़ा कौम नूं कदे नहीं भुलेगा। 5वें पातशाह साहब सतगुरु तन तन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी का शहीदी पुरब मनाउण वास्ते गुरु की संगत दमदमी टकसाल और होर सिख जथेबंदियां जिहड़ियां शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज नूं समर्पित सन अमृतसर की धरती से एकत्र होईआं। वक्त की सरकार ने घड़के मनसूबा संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे उपर भारी फोर्सां चाढ़ दित्तियां। 5 लाख की गिणती विच लगी है इंडियन आर्मी, वक्-वक् बटालियनां ने आके श्री दरबार साहिब नूं घेरा पालिया है। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालियां ने अपने हमदर्द गुरु के बहादुर लाला नूं एक थां ते एकत्र कीता। संतां ने अपना पक्ष रखिया, बहादुरो आपां शहीदां दे वारसां जिन्हां ने खोपड़ियां लवा लईआं, बंद बंद कटा लए पर धर्म नहीं त्यागिया। हुण वक्त दी सरकार दे नाल तकरार वध गया, सुभावक कोई बहुत वड्डी घटना वापरन वाली है। इसलिए मैं तुहानूं हदायत करदा है जिन्हां ने धर्म विच रहना है पक्के रहना है और इतिहास विच सदीवी रहण जोगा ना छड़ना है वो मेरे बचना नूं ध्यान दे नाल सुनना। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले अपने बहादुर साथियों के सामने उन्हां नूं प्रेर प्रेर के अपना पक्ष जिस कदर रख रहे ने उस वक्त का वेरवा इन्हां शब्दों विच इउं बयान है। पुत्र दशमेश दियो सानू गिद्दर चौण दबाउणा, एक वारी खुंजी आ जो वेरा मुड़के हथ नहीं आउणा। ओ मैं तोड़न बावांगा जेड़ा बचन जवानों करना, जे चूणा गैरत ना सिख लो अणख आन लई मरना। ਸਿੱਖ ਲੋ ਅਣਖ ਆਨ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ।
सतगुर ने ललकारिया। ओ सिख वादा करते नहीं वादा नहीं किसी दा जरना, ये जूना गैरत ना सिख लो अणखि आन लई मरना। जन्म लेंदे ऐ पर जम दे मर्द जवान विरले, गप्पा मार गवार हजार जांदे पूरे कौल करार नभान विरले। ओ जदों जार दे हाथ तलवार होवे ते फिर पेट सीस दी उदों चढ़ाण दे। विरला बहादुर है जो धर्म दी खातर कुरबानी करन दा शहादत दा जाम पीण दा मर्दां दी तरह ऐलान कर। मौत वेख के डरदे बड़े वेखे जांदे पर हस हस के मौत नूं गल आउंदा ये साडे पुरखियां दे हिस्से है। बाबा कौम संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाला पूरी कौम नूं एक प्लेटफार्म ते एकत्र करदा है। उन्हें पक्ष रखिया जे गैरत ना जिउणा है फिर अणख ते आण दी खातर मरन लई भी तैयारी करो। वक्त दी सरकार दे नाल साडी बहुत वड्डी भविख विच टक्कर होई। इधर भारत दी सरकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बड़ी जालम बिरती वाली सी। साडे आगुआं ने चिट्ठियां लिख लिख के उन्हें उकसाया, संतां दी वध रही ताकत नूं दबिया ना गया। याद रखो उन्हां दी वध रही ताकत दिल्ली दरबार वास्ते बहुत वड्डा खतरा बनेगी। फोर्सां चाड़ियां जड़ संत जी जिथे भी मिलते ने उन्हें चार छफीरों घेरा पा के खत्म कर दिता जाए। तुहाडा भी रस्ता साफ होवे, साडियां भी बादशाहियां ते वजीरियां पक्कियां हो जाए। कदे कलगियां वाले शहनशाह दा इतिहास पढ़िया जाए। बाई धार दे पहाड़ी राजे जिहड़े छोटियां छोटियां रियासतां दे मालक सन, औरंगजेब बादशाह नूं उन्होंने चिट्ठियां लिखियां। कलगियां वाले पातशाह रणजीत नगारा खड़का रहे ने, पौंडी की धरती ते फौज भर्ती कर रहे ने, कौम नूं जगा रहे ने। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज की ताकत नूं दबिया ना गया तो औरंगजेब याद रख दिल्ली दरबार वास्ते गुरु जी की वध रही ताकत बहुत वड्डा खतरा हो। बाई धार दे पहाड़ियां वाला किरदार निभाउण लगे साडे आ दिल्ली दरबार नूं लिखियां ने चिट्ठियां, और संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे जानी दुश्मन बन गए, पक्के दुश्मन बन गए। अमृतसर की धरती गुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज जी का शहादत का पुरब जिथे शरदावान
अरदासां बेनतियां करते हैं, मनोरथ पूरे होंगे है, परिवारों समेत शरदावान सिख सेवक अपने बच्चे बच्चियों नूं नाल लेके हरिमंदर साहब जाते हैं पातशाह का यह शहीदी अवसर मना के शरदावान गुरु के लाल गुरु दियां आसीसां ते खुशियां दे पात्र बनते। जून 1984 का कांड तुहाडे नाल सांझा कर रहे हैं। 5 लाख फोर्सां पंजाब की धरती ते ला दित्तियां। जदों जदों भी सरकारां ने किसी वड्डे साके नूं अंजाम देना होवे पूर्ण तौर उत्ते पंजाब सील किया जाए। संत जरनैल सिंह की ताकत सरकार दियां अखां विच रड़की पूरा पंजाब सील किया गया संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं नूं खत्म करन वास्ते। कदे पंजवें पातशाह तन तन सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज का जीवन पढ़िया जाए। हजूर नूं भी बादशाह जहांगीर ने जदों लाहौर सद्या पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज नूं ओह जालम ओह पापी शहीद कर लगा। उस वक्त भी विद्वान कहिंदे पूरा पंजाब मुगलिया फौज ला के सील किया गया ताकि लोगों तक पिणक ना जाए, खबर ना निकले लाहौर की वापरदा है। दुनिया तो ओला रख के गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज नूं अपने रस्ते विचों हटाया जाए। सरकारां दी नज़र विच जिहड़े बगावत दे झंडे बुलंद करन वाले ने वो बहुत वड्डे गुनाहगार ते दोषी समझे जांदे। चाड़ी है फौज पै गया अमृतसर साहब नूं घेरा। बाबा कौम संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाला श्री अमृतसर साहब की पवित्र धरती ते कर गया। होर गुणी मर्द संतां दी पवित्र शरण विच सन जिन्हां विच जिक्र आउंदा है महान सूर वीर बहादुर जनरल शवेग सिंह दा जिन्हें भारत का माण वधाउण वास्ते विरोधी ताकतां नाल टकरां लईआं जित्तां प्राप्त कीतियां। वो बहादुर जरनैल जदों उहदे करनीनामे का सत्कार ना किया वक्त दीआं सरकारां ने अहुदिआं नूं ठोकरां मार दित्तियां। वो गुरु का लाल धर्म की खातर कुरबानी करन वास्ते संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं दी शरण विच श्री अमृतसर साहब की धरती ते संतां दी शरण विच बैठा। जिहड़ी मोर्चाबंदी दरबार साहब विच कीती गई ये उस जनरल शबेग सिंह दे दिमाग की उपज है। ये शहीदां दे खानदान में जन्म लैण वाला सूरमा सी। बाबा मताब सिंह मीरांकोटी जिन्हें कदे मस्से रंगण का सिर अपनी तलवार नाल कलम करके कौमी अपमान का बदला लिया उस बाबा मताब सिंह मीरांकोटी दे वंश विच सूरबीर बहादुर जनरल शबेग सिंह का जन्म होया। और जिहड़ा कौम की खातर मौत गल लाउण वास्ते बाबा कौम संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं दे पावन चरणों में अमृतसर की धरती से सरकार ने घेरा पा लिया जिथे जुझारू बिरती वाले शस्त्रधारी सूरमे दरबार साहब की पावन बारगाह के अंदर घेरे ने उन्हें मोर्चाबंदी की है। उत्थे विदोशी लोग जिहड़े शरदा भावना के नाल हाजिरी भरन वास्ते पहुँचे सन वह भी श्री अमृतसर साहब की बारगाह के अंदर चार चफेरियों घिर गए। हुण फौज तोपां ते टैंक भी मंगा चुकी है। चफेरा सील है। संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं ने एक अंतम ऐलान इस करड़े घेरे दे विच जिस कदर कीता है उस वक्त का वेरवा इन्हां सत्रां विच क्यों बयान है।